रीठी तहसील के अंतर्गत बिलहरी उप स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार दोपहर 1 बजे दवा लेने मरीज बहुत देर से खड़े हुए थे। पूछने पर बताया गया कि 1 घंटे से वह काउंटर पर खड़ा है, लेकिन कोई भी कर्मचारी दवा देने नहीं आ रहा है। बता दें कि बिलहरी उप स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की अराजकता रोज ही बनी रहती है। कर्मचारियों से इस संबंध में बात करने पर अभद्रता पूर्वक बात की जाती है। मरीजों की मदद करने की बजाय बहस करने पर स्टाफ उतारू हो जाता है। मरीजों ने बताया कि यहां पर दवा काउंटर पर क्लोज का बोर्ड लगाकर दवाई बांटने वाला कर्मचारी गायब है। बता दें कि 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक ओपीडी खुले रहने का शासन का आदेश है, लेकिन बिलहरी में 2 बजे के बाद ना डॉक्टर मिलता है और ना ही कर्मचारी। ऐसे में दवा काउंटर पर क्लोज्ड की तख्ती लगाकर घंटों गायब रहने वाले कर्मचारी उल्टा आग दिखाते नजर आए। बता दें कि बिलहरी में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी मुख्यालय में न रहकर कटनी से आना जाना करते हैं। ऐसे में इनको मिलने वाला एक आरए किस हिसाब से दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो रीठी स्थित अकाउंटेंट और अन्य लोगों की सह पर यहां का स्टाफ गैर जिम्मेदार व बदतमीजी से लोगों से पेश आता है। इन्हीं की लापरवाही के चलते विगत दिसंबर में एलटीटी ऑपरेशन के दौरान आशा चौरसिया की इंजेक्शन लगाते ही मौत हो गई थी, जिस पर दोषियों पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सीएमएचओ कटनी पर सवालिया निशान लगता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अजय कुमार। अच्छा, यहाँ किस लिए खड़े हुए हैं आप? दवा के लिए। मिल गई? क्यों कितने देर से खड़े हैं? कितने देर से क्या बोल रहे हैं? हार्ट अटैक की दवाई निकाल लेते हैं। किससे बात करना है, किससे नहीं करना है मालूम है। आपसे हम कुछ बोल रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीठी से कौशल तिवारी की रिपोर्ट। Thank you.